केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्य के एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए हैं। दरअसल जहां रुद्रप्रयाग में तीर्थ पुरोहितों ने पुनर्निर्माण कार्यों पर सवाल उठाते हुए शासन प्रशासन पर सरकारी धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि धाम में निर्माण कार्यों के नाम पर अनियमितताएं हो रही है, जिसकी उच्च स्तरीय जाँच की जानी चाहिए। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि साल 2016 में जिस संगम पर करोड़ों की लागत से घाट का निर्माण किया गया था, अब उसी घाट को तोड़कर नया घाट बनाया जा रहा है, जो कि धन का दुरुपयोग है। और इसके साथ ही कई और कार्यों पर भी पुरोहितों ने सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई आपदा को लोग अभी तक भुला नहीं पाए हैं। आज भी लोगों के जहन में वो मंजर है। इस आपदा के दंश को आज भी केदारनाथ में देखने को मिल जाते हैं। आपदा के बाद धीरे धीरे यहाँ हालात सुधर रहे हैं। वहीं इन सबके बीच केदारनाथ धाम में जो पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं, उस पर तीर्थ पुरोहितों ने सवाल उठाए हैं। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेंद्र ने कार्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार अपने लक्ष्यों से भटक गई है। उन्होंने कहा कि अनावश्यक कार्यों से जनता के रुपयों की बर्बादी की जा रही है। उन्होंने सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। केदारनाथ में सरकार द्वारा जो भी पुनर्निर्माण कार्य वहाँ पे हो रहा है, वो बिल्कुल भी केदारनाथ के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार नहीं हो रहा है। पूर्व में कन्याल कोटियाल जी के द्वारा वहाँ पे एक 28 करोड़ का घाट बनाया गया था और 40 लाख का चेंजिंग रूम बनाया गया था। सरकार ने उसको बदले की भावना से उसको तोड़ करके वापस वहाँ पे जो है घाट बना रही है। उसके बाद सरकार शंकराचार्य जो समाधि बना रही है, वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी वो समाधि नहीं बन रही है। उसका एक ऊंचा 20 फीट का एक जो है समाधि में जाने के लिए जो सरकार जो टंडल बना रही थी, वो बहुत ऊंचा हो गया। उसका तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया और वो भी जो सरकार ने करोड़ों रुपए का तैयार किया था, उसको भी सरकार ने वहां पे तोड़ दिया गया। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहूंगा, आप जो है विकास कार्य से भटक गए हैं। आप जो है सबसे पहले जो 2013 की आपदा में जो है तीर्थ पुरोहितों के भवन जो है वॉश आउट हो गए थे, सबसे पहले तीर्थ पुरोहितों के भवन वहां पे देने चाहिए। और वहां तक अभी तक 8-9 सालों में सरकार गौरीकुंड से केदारनाथ तक एक भी व्यवसाय, एक भी जो है दुकानदार नहीं बसा पाई। सरकार को ये काम पहले करना चाहिए था। तीर्थ पुरोहितों की आपत्ति, करोड़ों की लागत से बने घाट को तोड़कर दोबारा बनाया जा रहा। आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल के निर्माण में स्थानीय महत्ता की अनदेखी की जा रही। समाधि स्थल निर्माण को चक्रव्यूह का रूप देकर मंदिर की गरिमा को ठेस पहुंचा जा रही। मंदिर के पीछे के सुरंगनुमा रास्ते को ध्वस्त किया जा रहा है। हिमालय की तलहटी पर बिना तरीके के काम किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला है, जबकि सत्ताधारी दल बीजेपी ने सभी आरोपों को सिरे से निकालते हुए कार्यों के सही होने का दावा किया। जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि तीर्थ पुरोहितों की आपत्ति जायज है। आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। निश्चित रूप में हो रहा होगा, मेरी जानकारी में ये मामला है नहीं। मैं इसको पता करूंगा और उसमें क्या मैं कह सकता हूं तब आपको बताऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर जगह पैसों का बंदरबांट, राजस्व की बंदरबांट, राजस्व का दुरुपयोग, और इसी का परिणाम है कि आज बेरोजगारी यहाँ पर चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। देखो वो ना मंदाग्नि और सरस्वती का कन्फ्लुएंस है, उस जगह पे घाट बनाया था, वो घाट NIM ने बनाया था। वो घाट बिल्कुल मास्टर प्लान के हिसाब से और तरतीब से बना था। आज क्या कारण है सरकार उसको तोड़ रही है, क्योंकि कई बार होता है कि आप बोलते हो कि लैंडस्केपिंग के लिए अच्छा हो, कलर कोड अच्छे हो, सेफ्टी के हिसाब से अच्छा हो। मेरे ख्याल से CBRI और IIT रुड़की ने अच्छे तरीके से बनाया था। अगर तो सरकार का पर्पज़ मतलब कंस्ट्रक्टिव है तो कोई बुराई नहीं है,
पर अगर तीर्थ पुरोहित सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब इसको चेक करने की भी जरूरत है तीर्थ पुरोहितों के साथ बात करके कि वो क्या कारण बोल रहे हैं। कई बार हम लोग चलते हैं इंजीनियरिंग के स्टाइल से, लेकिन कई चीज़ें भावना के साथ भी जुड़ी होती हैं। अगर कहीं वास्तु की बात है, अगर कहीं वो दिशाओं की बात है, किसी साउथ की तरफ से द्वार होना चाहिए, तो हमें ना वो भावना भी देखनी चाहिए। देखिए, लगातार और लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। कई चीज़ें जो हित में होती हैं उनके ऊपर निर्णय लिए जाते हैं कि कौन सा अच्छा है। कहीं पता चलता है इसे और सुंदर बनाने के लिए, जैसे हम अपने घरों में काम करते हैं, आज कोई चीज़ बनाएंगे, कल को लगेगा ज़रूरत के हिसाब से यहाँ ऐसे नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसे ऐसे एक्सटेंड कर लेते, तो इतनी बात है। मुझे लगता है कि सबकी इच्छा और भाव जो है वो ये है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भव्य और सुंदर दिखे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कहीं से कहीं तो कोई। कुल मिलाकर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण के कार्य पर सवाल खड़े होना बेहद ही गंभीर है। तीर्थ पुरोहितों के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार को चाहिए कि वो इस मामले का संज्ञान ले और इसकी जांच पड़ताल कर कार्रवाई करे, साथ ही कार्यों में तेजी लाए जिससे यात्रा से जुड़े लोगों को भी लाभ मिल सके और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सके। देहरादून से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए सुभाष कौर की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य पर सवाल जो हैं वो खड़े होने लगे हैं। सरकार पर सीधे तौर पर फिजूल खर्ची का आरोप लग रहा है।